So, greetings to all of you. Hello everyone, welcome to the Exam Castle. And today in this video, we are going to continue our series of syllabus discussion, and today we are going to talk about your modern maths, which is one of the most important area of your quantitative aptitude section. Perhaps this is going to be the most important video of our syllabus discussion. और रीजन इसका सिंपल है कि मॉडर्न मैथ्स का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है सारे एमबीए एंट्रेंसेस में, बट मोस्टली स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं। काफी अलग अलग अजम्पशंस रहते हैं स्टूडेंट्स के कि मॉडर्न मैथ्स उन्हें क्यों स्किप करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सारे अजम्पशंस आपके ब्रेक डाउन करूँ और आपको सजेस्ट करूँ कि मॉडर्न मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जितने टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा उन्हें नोट करके रखना। सो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आई वुड लाइक टू थैंक द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, दैट इज अनअकैडमी। सो डियर कैट 2022 स्टूडेंट्स, अनअकैडमी इज बैक विथ इट्स कैट मेगा कॉम्बैट फॉर यू। इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 30th January, टाइम विल बी 12 PM आफ्टरनून। यू हैव टू अटेम्प्ट 30 क्वेश्चंस इन इट विद इन 1 आवर। सो 60 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। 30 जनवरी को दोपहर को 12 बजे कैट मेगा कॉम्बैट आपका कंडक्ट होगा। और हियर यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन वेरियस स्कॉलरशिप्स डिपेंडिंग ऑन यूर रैंक। अगर आप टॉप 3 में आते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आपका रैंक 4 to 10 है तो यू विल गेट 75% स्कॉलरशिप। अगर आपका रैंक 11 to 50 है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। उसी के साथ साथ अगर आपका रैंक 51 to 200 है सो यू विल गेट 25% स्कॉलरशिप। एंड अगर आपका रैंक 201 to 300 है तो भी आपको 15% स्कॉलरशिप मिलेगी। सो यू विल गेट अ चांस टू प्रैक्टिस टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस फॉर कैट 2022। आपको डिटेल्ड एनालिसिस दिया जाएगा एक्सपर्ट्स के तरफ से। सो क्वालिटी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए आपको एनरोल करना चाहिए कैट मेगा कॉम्पैट में। एंड दैट्स नॉट ऑल, यू विल स्टैंड अ चांस टू विन एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स लाइक एप्पल आईपैड, Fitbit Versa, Amazon Vouchers, Kindle, Google Home Mini. So what are you waiting for? आप मेरा कोड यूज़ करो LKC10 और डेफिनेटली इस कैट मेगा कॉम्पैट में एनरोल करो जो होने जा रहा है 30 जनवरी को 12 PM को। So best wishes from my side, all the best. So dear students, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न मैथ्स की, और मॉडर्न मैथ्स में सबसे पहले हम उस टॉपिक की बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और लीस्ट टाइम में आप प्रिपेयर कर सकते हो। और उसके लिए जस्ट बेसिक आपके थोड़े क्लियर रहना चाहिए सर्ट्स एंड इंडाइसेस के, बिकॉज वहां के जो फॉर्मूलीज होते हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है लॉगेरिथम्स, और लॉगेरिथम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न मैथ्स की। अगर हम बात करें तो लॉगेरिथम्स बहुत ज्यादा इजी और रिवॉर्डिंग है। लिमिटेड 5 to 6 फॉर्मूलीज है लॉगेरिथम्स के जो आपको पता रहना चाहिए, और प्रॉपर्टीज पता रहना चाहिए थोड़ी बहुत। तो इतना करके आप देखोगे कि लॉगेरिथम्स आपके लिए बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग टॉपिक साबित हो सकता है। कॉमन एडमिशन टेस्ट की अगर हम बात करें सो 2 to 3 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं लॉगेरिथम से। सो लॉगेरिथम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉमन एडमिशन टेस्ट। उसी के साथ साथ हम IFT की बात करें तो IFT में भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉगेरिथम्स, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। उसी के साथ आप स्नैप और एनमैट की बात करो तो मॉडर्न मैथ्स के एरिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर साल क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और वो इजी टू मॉडरेट लेवल पर होते हैं। स्पेशली जो एनमैट के स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है हर साल लॉगेरिथम से, इतने क्वेश्चन पूछते ही है एग्जाम में। और मॉडर्न मैथ्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगेरिथम्स आपके लिए। तो आप अगर मॉडर्न मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या जब भी करोगे तो आपकी कोशिश होना चाहिए कि शुरुआत आप लॉगेरिथम से करो, बिकॉज इजी टॉपिक है, मिनिमम टाइम में आप प्रिपेयर भी कर लोगे और आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। तो डेफिनेटली गो फॉर इट। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके मॉडर्न मैथ्स में जिस पर आपको फोकस करना चाहिए वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और उसी के साथ सीरीज। तो सीरीज के क्वेश्चन रिसेंटली कम पूछे जा रहे हैं एमबीए एंट्रेंसेस में। स्नैप में पूछे गए थे सीरीज के क्वेश्चंस लास्ट ईयर बहुत ज्यादा, बट वो लॉजिकल रीजनिंग वाले सीरीज से भी मतलब सिमिलर पैटर्न पर थे। अगर हम बात करें प्रोग्रेशंस की तो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस भी उतना नहीं पूछा जाता रिसेंट एमबीए एंट्रेंसेस में, बट यस
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बेसिक फॉर्मूलीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत ज्यादा फॉर्मूला ड्रिवन अप्रोच रखने के बजाय आप एवरेज के कंसेप्ट यहाँ पर यूज करो। जब हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तब मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज के कंसेप्ट को यूज करके आप टफ क्वेश्चन को भी कितने एफर्टलेसली और इजीली सॉल्व कर सकते हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आईएफटी की अगर हम बात करें, स्नैप की बात करें, तो देखा गया है कि बेसिक लेवल पर जो कंसेप्ट है आपके, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए कि प्रोग्रेशन पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्पेशली आईएफटी और एनमेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको फोकस करना चाहिए इस पर, और साथ ही साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस भी। स्नैप में भी बेसिक लेवल पर पूछते हैं, बस वही है, एक बार आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सपोज आप 1 वीक का टारगेट रखते हो किसी टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, फर्स्ट 2 डेज में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके मास्टर किए, उसके फंडामेंटल समझ लिए, और नेक्स्ट जो 5 डेज है इसमें आपने 20 क्वेश्चंस पर डे के लॉजिक से 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, तो आप देखोगे कि 1 वीक में आप डिसेंट लेवल पर आ जाओगे किसी भी क्वांट्स के टॉपिक को प्रिपेयर करने में। और यही अप्रोच आपका मॉडर्न मैथ्स के प्रिपरेशन में भी रहना चाहिए। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस पर आपको फोकस करना है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है तो वो है सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी जो है तो यहाँ पर भी जो बेसिक आपकी सेट थ्योरी होती है, जो बेसिक वेन डायग्राम होती है, 3 फिगर वेन डायग्राम, यहाँ तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है। बिकॉज डेटा इंटरप्रिटेशन में कभी कभी केसलेट के फॉर्म में भी सेट थ्योरी के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। DILR की अगर हम बात करें कॉमन एडमिशन टेस्ट में, तो देखा गया है सेट थ्योरी और वेन डायग्राम के कंसेप्ट पर बेस्ड वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आपको करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमा मिनिमा वो सब अगर आप नहीं भी करोगे, डिसेंट लेवल पर भी प्रिपेयर करोगे, तो आप देखोगे कि इसका एडवांटेज आपको बहुत से एंट्रेंसेस में मिल जाएगा। और आईएफटी में तो हर साल एक क्वेश्चन आता ही है सेट थ्योरी से, इजी लेवल पर रहता है, तो आपको उसे टारगेट करना चाहिए। एनवेट में पूछ सकते हैं सेट थ्योरी, इंपॉर्टेंट है। स्नैप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो सेट थ्योरी जो है, जितने आप क्वालिटी क्वेश्चंस, क्वालिटी सेट्स प्रिपेयर कर पाओ तो उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं सजेस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है सेट थ्योरी का, जितने भी अवेलेबल क्वेश्चंस आपके पास है उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो वो इनफ होगा एक्चुअली आपके सेट थ्योरी के प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद में जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और इन्हें इग्नोर करने की सलाह दी जाती है, उसका रीजन यही है कि कॉमन एडमिशन टेस्ट में हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो स्टूडेंट्स का एक अप्रोच होता है कि अगर उन्होंने अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो उनके पास एक लग्जरी है कि इस टॉपिक्स को स्किप कर दे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज प्रीवियस कैट में देखा गया है DILR के सेक्शन में, मैंने पहले भी बताया है कि DILR के सेट्स भी इन टॉपिक के कंसेप्ट पर पूछे गए थे, तो अगर आप स्किप कर देते हो इन्हें सीधा, तो नॉट ओनली यू आर हैम्परिंग यूर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, बट यू मे इम्पैक्ट यूर DILR सेक्शन, और DILR में भी आप सफर करोगे अगर यहाँ से सेट आ जाता है तो। और मैं टॉपिक चीज की बात कर रहा हूँ वो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी। अब मैं कभी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इन 2 टॉपिक्स को स्किप करो, बिकॉज अगर आप लेट्स से कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए स्किप भी कर रहे हो इन टॉपिक्स को, तो आप देखोगे जितनी भी आपकी नॉन कैट एग्जाम है, आईएफटी है, स्नैप है, उसी के साथ साथ एनमैट है, तो यहाँ पर ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एनमैट में 5 to 6 क्वेश्चंस आपके हर साल आते हैं इन टॉपिक से, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। उसी के साथ अगर हम स्नैप की बात करें तो स्नैप में भी आप देखोगे कि कांस्टेंट प्रेजेंस है बीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी का, तो डेफिनेटली आपको इन टॉपिक्स पर फोकस करना ही चाहिए। कैट के लिए ये बात सही है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कम आते हैं, बट बीएनसी के क्वेश्चंस हर साल देखे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, बट मैं कभी भी आपको ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप स्किप करोगे इसी टॉपिक को, बिकॉज इनफ टाइम है हमारे पास। और ये वीडियो में काफी जल्दी बना रहा हूँ आपके लिए जनवरी में, तो आपको बिफोर हैंड पता है कि आपको
किस हिसाब से पूरा सिलेबस कवर करना है, और इजी टू मॉडरेट लेवल पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट आपके क्लियर रहना बहुत जरूरी है। तो ये वो 5 टॉपिक्स है मॉडर्न मैथ्स के जिस पर आपको फोकस करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर इस पर 1.5 से 2 महीना इन्वेस्ट कर दोगे, मैक्सिमम 30 डेज तो आपको करना ही चाहिए, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर कर लोगे और इन एरियाज को एक्सेल कर लोगे। सो यूज योर टाइम वाइजली, और वही फंडामेंटल यूज करो प्रिपरेशन में कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ लो, और फिर 20 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करो। तो 35 to 40 डेज में आप ये 5 टॉपिक इस हिसाब से कवर कर सकते हो, इजी टू मॉडरेट लेवल पे। फिर आप जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है उन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपकमिंग टाइम में। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटेजाइज करना है और प्रिपेयर करना है मॉडर्न मैथ्स को। कोई डाउट रहता है कमेंट करके जरूर पूछना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।